तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है आउटलेट ऑफ थॉरेक्स। और ये जो आउटलेट ऑफ थॉरेक्स जो है, ये अपना पार्ट टू वीडियो है बेसिक्स ऑफ थॉरेक्स पे। टोटल अपन इसमें तीन पार्ट्स में अपन बेसिक्स ऑफ थॉरेक्स देखने वाले हैं। अपन ने इसके पार्ट वन में देखा था कि क्या थॉरेक्स का इनलेट होता है, देन अपन इसके पार्ट टू में इसका आउटलेट देखेंगे, देन लास्ट लास्ट पार्ट में अपन इसका देखेंगे कि क्या क्या इसके थॉरेसिक वॉल्व हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं इसका आउटलेट। तो थॉरेक्स का जो आउटलेट है, उससे पहले बताने से पहले मैं आपको इनलेट वापस रिवाइज करवा देता हूँ। अपन को पता है जो स्टर्नम और रिब जो हैं, ये क्या बनाती हैं, अपनी बना लेती हैं थोरेसिक कैविटी। मतलब इधर होती है थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी के नीचे क्या होता है, आपका होता है एब्डोमिनल कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में जो स्ट्रक्चर जो हैं, कहाँ से अंदर आएंगे, उसको बोलेंगे इनलेट। और मेनली जो थोरेसिक कैविटी का इनलेट जो होता है, वो आपका नैरो होता है, और आपका फर्स्ट रिब और आपका स्टर्नम बोन बनाती हैं। तो ये जो है, इसका है इनलेट आपके थोरेसिक कैविटी का। देन उसका आउटलेट जो है, ये है इसका आउटलेट। मेनली थोरेसिक का जो आउटलेट होता है, वो आपकी एक मसल बनाती है, उसको अपन बोलते हैं डायफ्राम। अगर आप यहाँ पे देखें तो डायफ्राम का जो डायग्राम है, तो इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक बार 3D में दिखा देता हूँ डायफ्राम को, क्योंकि जो डायफ्राम जो है ना, वही आपका बनाती है आउटलेट ऑफ थॉरेक्स। तो आज के अपन इस वीडियो में पूरा डायफ्राम को डिटेल में देखेंगे कि डायफ्राम मसल का ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, इसका नर्व सप्लाई क्या है, देन कौन कौन सी डायफ्राम में जो है इसके ओपनिंग्स है। और यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायफ्राम, और ये क्या है, मेनली PG वगैरह में इसके जो है ओपनिंग में क्वेश्चन आ जाता है, और जो है यूनिवर्सिटी में भी डायफ्राम का जो डायग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है। अब आप देखो, तो मैंने क्या करा, मैंने इसका पूरा जो डायफ्राम है ना, वो अलग ही आपको सेपरेट करके मैं अब इस 3D मॉडल में दिखा रहा हूँ। तो अब आप इस 3D मॉडल में देखो, तो आपको दिखेगा ये डायफ्राम जो है, ये एक्चुअली में कैसी मसल है, ये अपनी एक डोम शेप की है मसल है। तो अगर अपन इसका देखें, ये पूरा आपका क्या है, ये अपना है थोरेसिक कैविटी है ना। देन ये है अपना थोरेस का इनलेट, जो फर्स्ट रिब और स्टर्नम बना रही है यहाँ पे। देन उसका जो आउटलेट है, वो बना रहा है आपका डायफ्राम। अब डायफ्राम का अपन देखें सबसे पहले ओरिजन, तो उसका ओरिजन जो है इंटीरियर में, ये स्टर्नम बोन की ये क्या है, ये है ज़िफर्ड प्रोसेस। तो डायफ्राम का ओरिजन आपका इंटीरियर में आपका होता है ज़िफर्ड प्रोसेस में। देन साइड वाइज में आपका होता है 6 कोस्टोकार्टिलेज से ईच साइड में। देन पीछे, देन पोस्टीरियर में इसका ओरिजिन देखें, तो आपके दो लंबे लंबे जो हैं डायफ्राम के, देन आपको पोस्टीरियर साइड में डायफ्राम मसल के दो लॉन्ग एक्सटेंशन दिख रहे होंगे। इसको अपन कहते हैं राइट साइड में अपन बोलेंगे राइज क्रूज ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट में अपन बोलेंगे लेफ्ट क्रूज ऑफ डायफ्राम। और इसी क्रूज के कारण डायफ्राम जो है पोस्टीरियर में आपके L1 से लेकर L5 वर्टिब्रा में आपके अटैच हो जाता है। तो मैं आपको फिर से बताऊं उसका ओरिजिन अपन ने कैसे देखा। सबसे पहले आपका जीफर प्रोसेस से ओरिजिन हो रहा है, ये देख पा रहे हो आप, इस मसल का जीफर प्रोसेस से ओरिजिन है। देन साइड वाइज कहाँ से ओरिजिन है, आपकी कोस्टोकार्टिलेज से आपका साइड वाइज ओरिजिन हो रहा है, लोअर 6 कोस्टोकार्टिलेज से। देन पोस्टीरियर में ये आपका जो है आपकी L1 से लेकर L5 वर्टिब्रा में अटैच है। ये मैंने इसका दिखाया आपको ओरिजिन। देन इसका अगर मैं इंसर्शन दिखाऊं, तो आपको वाइट से दिख रहा होगा कि इसका इंसर्शन जो है एक्चुअली में सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम में होता है। मतलब ये क्या करेगा, आपके पूरे साइड वाइज में उसका ओरिजिन लेगा, और फिर इस मसल का इंसर्शन जो है बिल्कुल आपके सेंट्रल में इसका इंसर्शन हो जाता है। देन फिर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जो डायफ्राम मसल है, उसमें आपको तीन ओपनिंग दिख रही होंगी। तो डायफ्राम में जो है कुल मिला के तीन लार्ज ओपनिंग होती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कंसेप्ट। अब जो इसके जो तीन ओपनिंग जो है, एक्चुअली में उन सबके नाम जो जो स्ट्रक्चर इससे पास करेंगे उसके हिसाब से ही होते हैं। अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये सेंट्रल टेंडन जो है ना अपनी, उसमें एक ओपनिंग है, उसको अपन कहते हैं वीने कावा ओपनिंग। क्यों, क्योंकि इससे जो है इन्फीरियर वीने कावा आपकी पास करती है। अगर मैं ऐसे जाऊं तो इधर क्या होगा, इधर आपका होगा हार्ट, देन हार्ट से क्या निकलता है, देन इधर से हार्ट प्रेजेंट होगा, देन हार्ट में क्या होता है इन्फीरियर वीने कावा यहाँ से नीचे से आती है, और इस ओपनिंग के थ्रू आपके हार्ट में जाके ओपन हो जाती है राइट एट्रियम में। तो ये जो है, ये आपका है इन्फीरियर वीने कावा के लिए ओपनिंग। तो इसके अंदर एक लार्ज ओपनिंग है, वो है इन्फीरियर वीने कावा की ओपनिंग। देन उसके बगल में ये जो ओपनिंग है, ये है आपकी ईसोफेगस की ओपनिंग, क्योंकि इससे जो है आपका ईसोफेगस पास होता है। देन लास्ट में ये वाली जो ओपनिंग है, इसको अपन कहते हैं एओर्टिक ओपनिंग। अगर आप इधर भी देखो तो ये आपको दिख रही होगी, ये है आपकी एओर्टिक ओपनिंग, क्योंकि इससे जो है आपका एओर्टा पास होता है। तो ये मैंने आपको तीन मेन ओपनिंग बता दी डायफ्राम की
और उसका ओरिजिन और इंसर्शन बता दिया। देन ये जो मसल है ये कौन सी नर्व से सप्लाई होती है, ये अच्छे से याद कर लेना, ये आपकी फ्रेनिक नर्व से सप्लाई होती है। और फ्रेनिक का मतलब क्या होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू डायफ्राम इज फ्रेनिक, ठीक है। तो इसके नर्व का नाम क्या हो गया, इसके नर्व का नाम हो गया आपका फ्रेनिक। उसके अलावा अब अपन जो है इसको फर्दर और डिटेल में देख लेते हैं। अब यहाँ पे यही लिखा है इसके इंट्रोडक्शन में कि जो आउटलेट ऑफ थॉरेक्स है ये कैसा है, ये अपना ब्रॉड एंड है थॉरेक्स का, ये आप देखो इनलेट तो बहुत नैरो था लेकिन इसका आउटलेट है ये थोड़ा ब्रॉड है। तो इसमें यही इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है कि आउटलेट ऑफ थॉरेक्स इज ब्रॉड एंड ऑफ थॉरेक्स। फिर ये क्या कर रहा है, ये अपना एब्डोमिनल कैविटी को अपनी थॉरेक्स कैविटी से सेपरेट करता है बाय मीन्स ऑफ डायफ्राम। उसके बाद अगर अपन इस आउटलेट की, सिर्फ आउटलेट आउटलेट की बाउंड्री देखें तो इंटीरियर में आउटलेट की बाउंड्री कौन बनाता है, इंफ्रास्टर्नल एंगल। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ये क्या है, इस एंगल जो बन रहा है ना आपका, इसको अपन कहते हैं इंट्रास्टर्नल एंगल। और ये जो है आपका इंटीरियर बॉर्डर बना रहा है आउटलेट की, ये है आउटलेट, आउटलेट के इंटीरियर बॉर्डर बना रहा है इंफ्रास्टर्नल एंगल बिटवीन टू कोस्टल मार्जिन, दो कोस्टल मार्जिन के बीच में है ना। उसके बाद पोस्टेरियर में कौन बना रहा है, आपकी 12th थोरसिक वर्टिब्रा। फिर ईस्ट साइड कैसे बन रही है आपकी, 7th से 12th रिब आपकी बना रही है ईस्ट साइड, आउटलेट ऑफ थॉरेक्स। फिर अपन देखते हैं डायफ्राम, तो आउटलेट ऑफ थॉरेक्स इज क्लोज बाय लार्ज मस्कुलो टेनिनस पार्टीशन कॉल्ड डायफ्राम। तो जो आउटलेट ऑफ थॉरेक्स का मैंने आपको बताया वो कौन बना रहा है, वो कौन क्लोज कर रहा है, वो आपका बना रहा है डायफ्राम। देन डायफ्राम का अपन देखते हैं ओरिजन, तो मैं आपको बता ही चुका था इसका ओरिजन 3D मॉडल में कि इंटीरियर में कहाँ पे ओरिजन होता है, सीफर्ट प्रोसेस से। और अगर यार अगर मैं तुम्हें देखो, अगर मैं तुम्हें 3D में नहीं बताता ना तो चीज़ें क्या तुम्हें इमेजिन नहीं होती, तुम क्या बस तुम्हें 2D में देखते रह जाते हो और चीज़ों को क्या समझने के बजाय रटते रह जाते हो। और यार मैं वही बोलता हूँ, अगर एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो मेन फोकस इसका 3D मॉडल पर रखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम देखो, 3D मॉडल देखो, चीज़ों को समझ के पढ़ोगे ना तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। इसलिए मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊँ। इसलिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सारे के सारे थॉरेक्स की वीडियो लाने वाला हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे पेल्विस। तो ये जो है पोस्टीरियर में, इंटीरियर में तो जी फोर्थ प्रोसेसर अटैच था, देन पोस्टीरियर में L2 L5 वर्टिब्रा पे अटैच है, और ईस्ट साइड कैसे अटैच होता है, 6 कोस्टो कार्टिलेज से। देन इसका इंसर्शन कैसे हो रहा था, मैंने बताया था कंसेशन आपका हो रहा था सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम से। देन इसका देखें इनर्वेशन, इनर्वेशन मतलब नर्व सप्लाई, इसकी होती है फ्रेनिक नर्व। देन फिर अपन इसकी देखते हैं ओपनिंग्स, तो एक लार्ज ओपनिंग थी उसको कहते हैं वीने का वो ओपनिंग। देन जो वीने का वो ओपनिंग है ना उससे क्या क्या स्ट्रक्चर पास करते हैं, एक तो इन्फीरियर वीने का वो, उसके अलावा एक नर्व भी पास करती है उसको बोलते हैं राइट फ्रेनिक नर्व। मतलब जो है ये अच्छे से याद कर लेना, सारे ओपनिंग में कौन कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं, वीने कावा से, वीने कावा तो होता ही है, उसके अलावा राइट फ्रेनिक नर्व भी जो है इससे पास होगी। देन फिर अपन देखें ईसोफेगस, तो ईसोफेगल ओपनिंग में आपका ईसोफेगस भी आपका होगा, उसके अलावा बोथ वेगस ट्रंक, वेगस नर्व जो है वो भी होगी, मतलब वीने कावा से फ्रेनिक नर्व, ईसोफेगस से वेगस नर्व। और फिर अपन आते हैं लास्ट ओटेग ओपनिंग, देन अयोटेक ओपनिंग से अयोटा जो अपनी रहती है ना, अयोटा डिसेंडिंग अयोटा जो है इससे पास करेगी। अयोटा के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वेन जिसको बोलते हैं जाइगस वेन, और आपकी थोरेसिक डक्ट। अब आप बोलोगे थोरेसिक डक्ट क्या है, तो यार थोरेसिक डक्ट जो है ये अपने लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है, और इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखी है, वो लिंक तुम्हें मैं आई बटन पे दे दूंगा। और यार ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और थोरेसिक डक्ट आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने इतने इजी वे में तुम्हें उस वीडियो में बताया है कि तुम्हें पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और फिर मैंने ये भी बताया था कि तुम्हें यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, उससे क्या होता है कि तुम्हारी क्या सारी मेहनत बच जाती है। तो मेरी वीडियो देखते हो, ये जो मेरे नोट्स हैं इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में लिख के जाते हो, तो क्या कम मेहनत में तुम्हारा ज़्यादा काम हो रहा है। तो ऐसी स्मार्ट स्टडी करने के लिए ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, मैं डेली एक वीडियो आपके लिए अपलोड करता ही करता हूँ। फिर अपन देखें इसमें लार्ज ओपनिंग तो होती हैं 3, उसके अलावा कुछ स्मॉल ओपनिंग भी होती हैं, वो होती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेसल के लिए, देख रहे हो ऊपर ये स्मॉल ओपनिंग। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, क्या होता है ये नीचे अपन ने क्या देखा था, इसका इंसर्शन पोस्टेरियर में आपका हो रहा था, पोस्टेरियर में आपका हो रहा था L1 से L5 वर्टिब्रा पे विद द हेल्प ऑफ 2 क्रूज, राइट क्रूज ऑफ डायफ्राम और लेफ्ट क्रूज ऑफ डायफ्राम।
देन इस क्रूज से जो है, और आप देख पा रहे हो दो नर्व पास करती हैं, एक आपकी हो गई ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व, दूसरी है लेसर स्प्लेनिक नर्व, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे। उसके अलावा इस क्रूज के कारण यहाँ पे एक लिगामेंट बन रहा है, उसको अपन कहते हैं मीडियन लिगामेंट। तो मैं आपको अच्छे से दिखेगा, आपको ये जो लिगामेंट है ना ये वाला, इसको अपन कहते हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। अच्छे से याद करना, मैंने बोला है मीडियन ना कि मीडियल, ये है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। देन इसी कुरूस के जस्ट मीडियल में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, और उसके लेटरल में होगा लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो कुल मिला के इसमें आपको तीन लिगामेंट देखने को मिलेंगे, एक होगा मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, देन मीडियल, मीडियल में है तो मीडियल, ये है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट और ये लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो इसके मीडियल आर्कुएट लिगामेंट से ये एक ट्रंक पास कर रहा है, इसको बोलते हैं सिंपथेटिक ट्रंक। और सिंपथेटिक ट्रंक क्या है उसके ऊपर वो सेपरेट वीडियो है, आपको मिल जाएगी, लेकिन बेसिक मैं आपको बताऊं तो सिंपथेटिक ट्रंक जो है एक्चुअली में जो अपनी सिंपथेटिक नर्व्स होती है ना, सारे के सारे सिंपथेटिक नर्व जो है वो सिंपथेटिक ट्रंक से ही ओरिजिन होता है। तो आप ये याद कर लेना कि इसके मीडियल आर्कुएट लिगामेंट से पास कर रहा है सिंपथेटिक ट्रंक, और इसके लेटरल वाले से आपके पास करती हैं इंटरकोस्टल वेसल, आर्टरी और नर्व, और एक इंटरकोस्टल वेसल, आर्टरी और वेन, और एक नर्व। तो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही बताऊँ इसका डायग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर तुम्हें डायग्राम याद हो गया ना, देन तुम्हें सारे स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो जाएंगे। तो कभी मान लो यूनिवर्सिटी में आया, मेनली ज़्यादा चांस ये होते हैं कि वो आपको 5 नंबर में सिर्फ क्या करेगा, आउटलेट ऑफ थॉरस का डायग्राम बनाने को बोलेगा, देन आप ये डायग्राम बना के आओगे। लेकिन ज़्यादा चांस इसके नहीं होते, ज़्यादा चांस जो है इनलेट के होते हैं। मैंने आपको इनलेट की वीडियो में बताया था कि इनलेट ऑफ थॉरस का 5 नंबर में जो है डायग्राम वो पूछ सकता है ना। लेकिन अगर डायफ्राम का डायग्राम आता है तो पूरा डायग्राम आपको बना के आना है, उसमें तीनों ओपनिंग दिखानी है। देन इसके ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पासिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाने हैं, और आपको बस यही याद करना है डायफ्राम में तीनों ओपनिंग, उससे जो तो स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, और डायफ्राम के फिर लिगामेंट से ये कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं। इसके बिहाइंड एक्चुअली में जो है सिंपथेटिक ट्रंक इस लिगामेंट के पीछे बिहाइंड पास कर रहा है, यहाँ पे इंटरकोस्टल वेसल इसके बिहाइंड पास कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्रूज में क्या हो रहा है, ग्रेटर और लेसर नर्व जो है इसमें पियर्स करती हैं। तो यहाँ पर जो है एंडिंग में यही लिखा है कि सब कोस्टल वेसल और नर्व पासिंग बिहाइंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो पूरा का पूरा मैंने आपको आउटलेट ऑफ थॉरेक्स बता दिया, फिर मैं आपको बताता हूँ तो यूनिवर्सिटी में कैसे लिख के आना है। अगर एक क्वेश्चन आता है ना, वैसे इसके चांसेस कम है यार, मैं पहले बता चुका हूँ, आउट मेनली आएगा ना तो मेनली डायग्राम में ही आता है कि आप आउटलेट और इनलेट का डायग्राम बना दो, ठीक है, तेरा डायग्राम डायग्राम बना देना इसका डायफ्राम वाला। लेकिन आप क्या करना, अगर आपको और नंबर चाहिए डायग्राम में, तो आप क्या करना इसका ओरिजिन इंसर्शन भी इस मसल का लिख के आ सकते हो नीचे। लेकिन अगर ये मान लो शॉर्ट नोट में आ गया कि राइट है शॉर्ट नोट ऑन डायफ्राम मसल, तो फिर आप कैसे लिखोगे, तो आप फिर क्या करना डायफ्राम मसल का ओरिजिन इंसर्शन, उसका नर्व सप्लाई, देन इसकी सारी ओपनिंग जो होती है ना, देन आप लिखोगे इसकी सारी ओपनिंग, लार्ज ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग। तो आपको इस तरीके से जो है ये शॉर्ट नोट में लिख के आना है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, देखते रहें मेरा चैनल, और आप जो है आने वाली वीडियोज अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।